देखिए, इस बार का विंटर जो बहुत सीवियर विंटर रहा है, बिकॉज जुलाई क्लान में यानी जनवरी में बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ प्लेन एज वेल एज हायर रिचीज ऑफ कश्मीर वैली में, तो पूरा इसकी वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर, खास करके माइनस टेम्परेचर रहा है, लो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जो है -8.8 यानी -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है 31 जनवरी को, यानी एंड ऑफ जुलाई क्लान में। तो ऐसा बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग विंटर जो, और ये इतना कोल्ड वेव रहा है, ये 30 साल के बाद देखने को मिला। इससे पहले 1991 का जो जनवरी रहा बहुत हार्श और सीवियर रहा है, जिसमें कि मैंने मिनिमम टेम्परेचर -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कहने का मतलब ये कि ऐसा ठंड जो है 30 साल के बाद देखने को मिला है। अब इसको क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करना भी कोई मुझे लगता नहीं उचित नहीं समझता, क्योंकि साइकिल में बीच बीच में ऐसा बर्फ ऐसा ठंड होते हैं। आज से 30 साल पहले भी आप जब हो सकते हैं, तो 30 साल बाद में जब ऐसा हुआ तो ये बीच बीच में होते हैं। अब जहाँ तक तो रहा वेदर फोरकास्ट की बात, आने वाले दिनों में तीन, और खास करके 3 तारीख को जो है फिर एक स्पेल बर्फबारी होने का इम्कान है मैदानी इलाकों में भी। 3 तारीख को यानी 2 की नाइट और 3 के बीच में वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी 2 से लेकर 3 इंच तक बर्फबारी होने का इम्कान है। बाकी कोई हैवी स्नोफॉल का तो कोई इम्कान नहीं है, पर हायर रिचीज में चंद एक दो जगह पे हैवी भी हो सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है 2 की नाइट 3 और 4 के बीच में मौसम खराब रहने का इम्कान है, फिर 5 से फिर मौसम अमूमन अमूमन ठीक रहने का इम्कान है।